नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए मंडला रेलवे स्टेशन की वीडियो लेके आए हैं। आपको बताते चले कि मंडला फोर्ट में अमान परिवर्तन के साथ ही ब्रॉडगेज लाइन व नया प्लेटफॉर्म बनाया गया है। करीब 2 वर्षों से प्लेटफॉर्म बनकर तैयार है, इसके साथ ही यात्री सुविधाएं भी बनाई गई, लेकिन इन 2 वर्षों के अंदर ही यहां पर बनाई गई व्यवस्थाओं में कमी देखी जाने लगी है। जो कार्य कराया गया उसमें लापरवाही बरती गई है, तो वहीं लगाए गए उपकरण गुणवत्ता न होने से यात्री ट्रेन आने से पहले ही खराब होना शुरू हो गए हैं। यात्रियों की सुविधा के लिए प्लेटफॉर्म में सीलिंग फैन लगाए गए। अभी यात्री ट्रेन नहीं चलने से पंखे भी नहीं चलाए जा रहे हैं, बिना चले ही ये पंखे खराब होने लगे हैं। रेलवे द्वारा लगाए गए कई पंखों के ब्लेड टूटने लगे हैं, पंखी मुड़ चुकी है। ये केवल अब दिखावा साबित हो रहा है। जब ट्रेन चलेगी और यात्री आएंगे उस दौरान फिर से नए पंखे लगाने की जरूरत पड़ेगी। इस वजह से रेलवे को अतिरिक्त बोच आएगा। प्लेटफॉर्म में यात्रियों को दिशा निर्देश देने वाले सूचना बोर्ड भी लगाए गए हैं। ये प्लास्टिक के बोर्ड भी कई टूटकर गायब हो चुके हैं। यात्री ट्रेन न चलने से प्लेटफॉर्म में चहल पहल नहीं रहती, कई बार असामाजिक तत्व भी इस तरफ देखे गए हैं। प्लेटफॉर्म क्षेत्र में सुरक्षा गार्ड होना चाहिए ताकि रेलवे की संपत्ति को नुकसान न पहुंचाया जा सके। मंडला घनसोर मुख्य मार्ग पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के सामने से रेलवे प्लेटफॉर्म तक जाने के लिए करीब आधा किलोमीटर की सीमेंटेड सड़क का निर्माण किया गया था। यह सड़क भी लगभग 2 साल पहले ही बनी थी। अब इस सड़क के भी हाल खराब हो चुका है। अभी इस सड़क पर आना जाना वाहनों का नहीं है, बहुत कम संख्या में लोग स्टेशन आते जाते हैं। ऐसी स्थिति में ही सड़क में कई जगह गिट्टी निकल रही है, कई जगह तो गड्ढे बन रहे हैं। सीमेंटेड सड़क जिसके वर्षों तक चलने की गारंटी होती है, लेकिन इसने कुछ ही वर्षों में दम तोड़ दिया। आपको पता चलेंगे जबलपुर मंडला ट्रेन के संचालन किए जाने की मांग कई बार ब्रॉडगेज संघर्ष समिति के द्वारा किया गया है। कई धरना प्रदर्शन किए गए, कई बार ज्ञापन सौंपा गया, लेकिन अभी तक ट्रेन संचालन चालू नहीं किया गया। जैसे हमको यहाँ की और भी कोई लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आएगी हम वीडियो के माध्यम से आपको जरूर अवगत कराएंगे। बस आज के वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी और क्या है आपका सुझाव। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।